दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में। दोस्तों आप में से कई सारे लोग अंडमान निकोबार जाना चाहते होंगे, लेकिन अंडमान निकोबार जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ या तो आप एयर कनेक्टिविटी है क्योंकि दूर है काफ़ी, एक आइलैंड है, भारत का ही एक हिस्सा है अंडमान निकोबार आइलैंड, और काफ़ी दूर है, सुदूर दक्षिण में स्थित है, और या आप जा सकते हैं फ्लाइट से या आप जा सकते हैं शिप से। तो थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव हो जाता है अंडमान निकोबार, क्योंकि इतनी रेगुलर फ्लाइट्स नहीं होती है, तो जो फ्लाइट टिकट हैं वो भी महंगी होती हैं दिल्ली से, मुंबई से, चंडीगढ़। पर दोस्तों ये जगह बहुत खूबसूरत है, यहाँ आपको मिलेंगे एकदम वाइट सैंड बीचेस, एकदम क्रिस्टल क्लीन नीला और हरा पानी, और आप यहाँ जाके एक आपको देशभक्त की भावना आएगी, क्योंकि अंडमान निकोबार यानी जिसको काला पानी की सजा कहते थे, यहाँ पे अंडमान में जो जेल है वो सब आप देखेंगे, तो एक बार लाइफ टाइम जरूर एक्सपीरियंस करें इसको। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे अंडमान निकोबार जाना है, वहाँ पर कौन कौन से बीचेस, कौन कौन सी जगह आपको घूमनी है और कितना आपका खर्च आएगा। दोस्तों जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोज में बताया कि ये एक वेबसाइट है जो आपको बताती है आपका खर्चा, और आपकी एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं इतने खर्चे में आप घूम सकते हैं या नहीं, क्या आपको अपने बजट में इंक्लूड करना है, कौन कौन सी जगह आपको घूमना है, नहीं जाना। तो आपको जाना है indiainfo.help/travel पे, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कोलकाता, और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है अंडमान निकोबार। कोलकाता इसलिए दोस्तों क्योंकि आपको अगर फ्लाइट से जाना है या फिर शिप से जाना है तो कोलकाता सबसे बेस्ट पॉइंट रहेगा आपके लिए, या आप साउथ में चेन्नई से जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से बहुत महंगी आपको फ्लाइट्स पड़ेगी, पर जाना हो आप जा सकते हैं। तो जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप इन फोटोज में देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल एकदम नीला पानी आपको दिखाई देगा, शांति, आपको मरीन लाइफ, आप बिल्कुल तैरती हुई मछलियाँ नीचे देख सकते हैं, अलग अलग टाइप की मछलियाँ, और आप एकदम सुकून भरी वहाँ पे आप अपने 4 से 5 दिन बिता सकते हैं। दोस्तों एक और मेरी आपको राय है कि अंडमान निकोबार, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड प्रोटेक्टेड हैं, गवर्नमेंट के अंडर हैं और आर्मी के अंडर है, नेवी के, तो यहाँ किसी गाइड का आप ज़रूर सहारा लें और एक पैकेज खरीद लें, क्योंकि ये हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप बिना पैकेज के वहाँ पर चले जाएँ, पैकेज खरीद कर ही यहाँ पे जाए। बहुत सारे रूल्स हैं, सब आर्मी के अंडर है कई सारे एरिया, तो ये सब आप कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि ये साइट आपको एक प्रिडिक्शन बताती है, सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे ट्रेवल मोड में, यहाँ पे आप नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, कितने दिन के लिए आप जाना चाहते हैं, कितने लोग जाना चाहते हैं कपल, आप ट्रेवल मोड में सेलेक्ट किया, देखो अंडमान ना तो कार जाती है ना तो आपकी बस जाती है, केवल आप जा सकते हैं फ्लाइट से। तो फ्लाइट से कलकत्ता से अगर आप एडवांस टिकट बुक करते हैं तो 5,000 रुपये पर पर्सन की आपकी फ़्लाइट की ये कॉस्ट पड़ती है, 10,000 रुपये अगर 10,000 रुपये आपका अगर आप करंट बुकिंग करते हैं तो ऐसी कॉस्ट पड़ेगी, अगर आप एडवांस सेलेक्ट करते हैं तो ये जो कॉस्ट है आपकी ये यहाँ कैलकुलेटर में चढ़ जाएगी और ये आपको बताएगी। फिर आप घूमने गए तो दूसरी जगह जो कॉस्ट चीज़ होती है खाना, पर डे दो लोगों का जो खाने की कॉस्ट है, क्योंकि ये दूर है, एकदम आइलैंड एरिया है मेनलैंड, तो यहाँ पे खाना और सब चीज़ थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि यहाँ पे सब समुद्र से जाता है और ये अपने मेन इंडिया से इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो वेज खाना आपको 1,200 रुपये का पड़ेगा, नॉन वेज खाना 1,600 रुपये का। तो थोड़ा जैसा मैंने बताया कि यहाँ घूमना महंगा हो जाता है, पर ये जगह एकदम जाने लायक है, लाइफ में एक बार जरूर आप एक्सपीरियंस करें। होटल्स ऐसे ही, होटल्स भी थोड़ी सी महंगी है नॉर्मली, और जब बजट होटल, इकोनॉमिक होटल जो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ आ जाएगा। लोकल ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट जाना है, टैक्सी और फेरी भी होती है दोस्तों यहाँ पर, फेरी यानी आप शिप से जा सकते हैं और बोट से भी जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जानी चाहते हैं, क्योंकि एक आइलैंड से दूसरी जगह जाने का एक ही जरिया, आप बोट से, शिप से, फेरी, लोकल टैक्सी, तो सब कुछ महंगा है यहाँ पर। एडवेंचर एक्टिविटी बहुत कुछ आप कर सकते हैं, आप अगर अपने पैकेज में इसको इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि अभी तक सिर्फ आपका ट्रेवल, फूड, होटल और लोकल ट्रांसपोर्ट ही आपका 17,000 तक आपकी कॉस्ट बैठ चुकी है। तो अगर लोकल, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ है एडवेंचर के नाम पर करने को, आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, आप कायाकिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और पैराग्लाइडिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब आप कर सकते हैं।
तो आइए आप यहाँ पे जानते हैं हम कौन कौन सी जगह है आपको जानी है, उन जगहों पे घूमने का क्या क्या प्राइस है। दोस्तों आपको पता है अंडमान में जो सबसे फेमस जगह जिसके लिए लोग जाते हैं और जो जिसको देखे बिना आपकी वहां की जानी, वो है सेलुलर जेल, जिसको दोस्तों काला पानी की सजा भी कहा जाता था। अंग्रेजों के टाइम पे जो भी स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे उनको अंग्रेज यहाँ इस जेल में डाल दिया करते थे, ताकि उनका जो मेन यहाँ से बिल्कुल कट हो जाए और जो स्वतंत्रता संग्राम हमारा चल रहा था उसमें वो हिस्सा ना ले पाए। और एक तरीके से ये टॉर्चर जेल भी कहा जाता था, यहाँ पे उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था। तो इसकी प्राइस सिर्फ 660 रुपीज है और ये 4 बजे काउंटर बुक खत्म हो जाता है, यानी टिकट आप 4 बजे बाद नहीं ले सकते हैं, तो पहले ही आप चले जाएं। और अंदर जाएंगे दोस्तों, जैसे ही आप जेल में जाएंगे आपको एक वहाँ देशभक्ति की भावना और आप अपने आप आपको एक एक फीलिंग आएगी कि यार उन लोगों के साथ कितना इनके अत्याचार हुआ होगा, कैसे वो यहाँ रहे होंगे। तो इसके अंदर बहुत अलग अलग कमरे हैं, आप देख सकते हैं, एक टॉर्चर रूम, एग्जीक्यूशन रूम जहाँ उनको फांसी की सजा दी जाती थी, तो ये सब है। तो अलग अलग सेल बने हुए हैं, ये यहाँ पे एक जगह पे सबसे ज्यादा सेल्स एक जगह पे हैं उनको रखने के लिए। और यहाँ पे आजाद हिंद फौज का भी बेस भी यहीं पे था, तो वो भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी से मेंटेन है ये। आप एक तरीके का म्यूजियम और टूरिस्ट स्पॉट बन गया है इस जेल में, अब कोई भी कैदी नहीं रहते हैं, अब ये बिल्कुल टूरिस्ट के लिए ओपन है। यहाँ पे दोस्तों साउंड एंड लाइट शो चलते हैं, और जो 5 बजे और 7 बजे चलते हैं, 5 बजे हिंदी में और 7 बजे इंग्लिश में, तो डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती हैं, तो वो जरूर देखें आप। एक छोटा सा म्यूजियम है वहाँ पर, हिस्ट्री, फोटोग्राफ्स, जेल में कौन कौन रहे थे, क्या क्या उनके साथ हुआ था, ये सब हुआ है, तो ये जरूर देखें आप। तो 660 रुपीज प्राइस है, तो ये बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं राधानगर बीच, जिसकी प्राइस आपको पड़ेगी 200 रुपये, 2 लोगों के हिसाब से 200 रुपये है। ये 7 किलोमीटर दूर है जो मेन उससे है, और इस बीच को दोस्तों एशिया के सबसे अच्छे बीच में से गिना गया है, एकदम बिल्कुल वाइट सैंड बीच। 2 किलोमीटर लंबा ये बीच है, 40 किलोमीटर चौड़ा है, एकदम इतनी सॉफ्ट सैंड होती है यहाँ पे। पानी आपको हरा नीला एकदम पानी दिखाई देगा, आप स्विमिंग कर सकते हैं, काइकिंग कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, और चारों तरफ इस बीच में आप देख सकते हैं कि ऊपर बिल्कुल जंगल है ये है। तो यहाँ आप जो प्रकृति से प्यार करते हैं लोग, उनके लिए ये बेस्ट जगह है। चेंजिंग रूम भी है, टॉयलेट भी है, तो बहुत अच्छी से मेंटेन किया हुआ बीच है, तो यहाँ आराम से आप अपना आधा दिन यहाँ बिता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं माउंट हैरियट, जो कि मधुबन ट्रैकिंग करने के शौकीन हो तो ट्रैकिंग के, तो इसकी आपको 500 रुपये प्राइस पड़ेगी 2 पर्सन की। अगर आप पर पर्सन प्राइस निकालना चाहते हैं तो पर पर्सन सेलेक्ट कर लो। ये जगह दोस्तों थोड़ा सा दूर है, आपको चट्टम जेटी लेनी पड़ेगी, वहाँ से जाना पड़ेगा, बोट से जाना पड़ेगा इस जगह पे। और यहाँ जाने के बाद आपको एक सफारी में बैठना पड़ेगा, 15 मिनट की ये सफारी होती है, जो एकदम बिल्कुल आपको पहाड़ी के ऊपर तक यहाँ तक ले जाया जाएगा। वहाँ से बहुत ही शानदार व्यू दिखता है, और 1 घंटे की ये ट्रैवल जर्नी है आपकी मेन अंडमान निकोबार मेन आइलैंड से। और ये जगह दोस्तों, एक तो इसका व्यू बहुत अच्छा है, आप रास्ते में आपको जंगली सुअर वगैरह भी देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता था, पहाड़ी है एकदम, पहाड़ी की चोटी पे इसकी भी हिस्ट्री है, बहुत ही अच्छी इसकी हिस्ट्री है। यहाँ पे ब्रिटिशर लोग क्या करते थे कि जो अपने इंडियंस थे या जो इंडियंस कैदी होते थे, उनको पहाड़ी की चोटी से पकड़ के फेंक देते थे ये। तो यहाँ पे ये स्टोरी है कि वो लोग ये करते थे, तो इसलिए क्लिफ बनी हुई है वहाँ पे, जब उनको सजा देनी होती थी, कुछ करनी होती थी, तो ये सब करते थे। और जगह पे वहाँ पे गन भी है, मतलब कैनन्स लगी हुई है पहाड़ी की चोटी पे, इनकी ब्रिटिशर्स की जो जापानीज के साथ लड़ाई होती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, तो वो सब है। और बहुत शानदार व्यू दिखता है, रास्ता बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छा है। और जब आप पहाड़ी के टॉप पे जाएंगे, वहाँ आप
इस पार्क के अंदर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो 5-2.5 किलोमीटर लंबा एक ट्रैक है, ट्रैक आप कर सकते हैं, और एक गाइड लेकर ही आप ट्रैक करें दोस्तों। बिना गाइड के ट्रैक ना करें, क्योंकि ये जंगल है, रास्ते पता नहीं, आप लॉस्ट हो जाएंगे, मेन रास्ते तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलता है, तो इस जगह पे आप जरूर जाएं। उसके बाद एक और जगह जिसको कहा जाता है रोज आइलैंड, ये भी एक आइलैंड है, यहाँ जा सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर ये एक आइलैंड है, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। आपको बोट से इसमें आप जाएंगे, और यहाँ पे ज़्यादातर जो जब तक ब्रिटिश इरा की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं एकदम, हॉस्पिटल्स उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे वो करते थे, कई तरीके आपको चर्च मिलेंगे, बिल्डिंग मिलेंगे, तो ये अभी भी वैसे ही रखी हैं, म्यूजियम के तौर पर रखी हुई हैं, तो वो आप देख सकते हैं। क्योंकि इस पूरे इलाके पर ब्रिटिशर्स का कब्जा रहा, तो उनका प्रभाव साफ दिखाई देता है। ये पूरा एरिया इंडियन नेवी चलाती है, उससे मेंटेन किया हुआ है, और क्योंकि इस पर कुछ टाइम बाद जापानीज ने कब्जा कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 की जापानीज की बंकर और ये सब भी बनी हुई है। यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, वो भी आप देख सकते हैं, पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं ब्रिटिशर के ज़माने की, वो सब आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं महात्मा गांधी मैरिन नेशनल पार्क, ये भी बहुत अच्छी जगह है। अगर आप मरीन लाइफ, क्योंकि आप अंडमान गए हैं, तो वहाँ देखने का सबसे अच्छी चीज़ होती है, जो इंडिया में हम मेनली हिल स्टेशन या जगह नहीं देख पाते हैं, जो समुद्री जीवन है वो वहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये थोड़ा सा दूर है, इसको वंडूर एक जगह है वहाँ पे बोलते हैं, 29 किलोमीटर दूर है पोर्ट प्लेयर से, आप बस से भी जा सकते हैं और आप शिप से भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये करीबन 15 आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे छोटे, उनका एक कलेक्शन है। तो यहाँ आप वो देख सकते हैं, यानी बिल्कुल नीला वाटर, नीचे कोरल रीफ देख सकते हैं, मूंगे की नीचे जो मूंगे की चट्टान होती है पानी के नीचे, वो देख सकते हैं आप। आप अलग अलग फिश की जो प्रजातियाँ हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो आराम से आपके 3 से 4 घंटे आपको पता नहीं लगेगा कहाँ गए क्या गए, और ये एरिया बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, इनएक्सेसिबल है, इसीलिए बिल्कुल यहाँ ज़्यादा परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ जाने के लिए। इसीलिए यहाँ पे ये सब मतलब अभी भी इस चीज़ मरीन लाइफ आप देख सकते हैं बिल्कुल सेफ है अभी तक सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर फिशिंग होती है, ये होती है, कुछ भी अलाउड नहीं है आप देख। तो इसके बाद आप जा सकते हैं दोस्तों एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, ये बहुत ही खास जगह है अंडमान निकोबार के लिए। इस म्यूजियम की खास बात यह है दोस्तों, यहाँ पे पूरे अंडमान निकोबार में अभी भी कई ऐसी जनजातियाँ हैं जो वहाँ रहती हैं, जिनका जो हमारी मानव सभ्यता है उससे कोई लेना देना, आज भी वो जंगलों में रहते हैं, आज भी वो वैसे ही रहते हैं, वो उन खाना पीना सब वहीं ढूंढते हैं। उनको कई बार सरकार ने कोशिश की कि मेन स्ट्रीम में लाया जाए, पर वो नहीं आए। तो यहाँ वो सब चीज़ें हैं रखी गई हैं कि उनके क्या औजार हैं, कौन कौन सी ट्राइब हैं, वो कैसे कैसे औजार यूज करते थे, कैसी बोट्स यूज करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसी ज्वेलरीज वो पहनते थे, कैसा खाना खाते थे, तो पूरा इसका बहुत ही अच्छा वर्णन है, और लाइब्रेरी भी है अंदर। तो यहाँ दिखाया गया है कि कैसे मानव सभ्यता आगे आगे बढ़ी और कैसे होगी। तो इसके बाद आप जा सकते हैं चिडिया टापू सनसेट पॉइंट, ये एक सनसेट पॉइंट है, बिल्कुल टॉप है, वंडरू बीच से ही थोड़ा सा आगे है, तो वहाँ जा सकते हैं। तो 200 रुपये, तो जैसे सनसेट होता है हर जगह पे, तो क्योंकि यहाँ पे सनसेट बिल्कुल सी के समुद्र में होता हुआ दिखाई देता है, तो बहुत अच्छा व्यू होता है, वो आप करें जाएँ, 200 रुपये इसकी प्राइस है, प्लस 100 रुपये पर। इसके बाद आप जा सकते हैं वंडरू बीच, वंडरू बीच भी गेटवे है, जो महात्मा गांधी मैरिन पार्क है उसका गेटवे है, रोड से आते दूर है थोड़ा सा, 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे भी आपको बिल्कुल आइलैंड दिखेगा, कलरफुल आइलैंड है, नीला हरा पानी, बिल्कुल अलग अलग, बहुत अलग अलग प्रकार की जेब्रा फिश, फिश की प्रजातियाँ आपको देखेंगी। यहाँ पे फिशिंग वगैरह अलाउड नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर समुद्री जीवन को आप बहुत नज़दीक से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज तक सरकार जो कॉमर्शियल फिशिंग या इन चीज़ों को यहाँ अलाउ नहीं करती। तो ये जाने के बाद आप वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर कर सकते हैं,
वाटर स्पोर्ट मतलब 1,000 रुपये से लेके आप 3, 4, 5 हज़ार तक है। जैसे कि आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, कायाकिंग कर सकते हैं, पैरासीलिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं वहाँ पे। तो बहुत प्रकार के वाटर स्कूटर आप चला सकते हैं, तो बहुत प्रकार के वाटर एडवेंचर हैं जो आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप जा रहे इतनी दूर तो वो वहीं मिलते हैं, बीच वाले एरिया में ही मिलते हैं ज़्यादातर, जो बीच के एरिया जो वो करें। इसके बाद एक और आती है भरतांग आइलैंड, लाइमस्टोन केव एक जगह है। ये थोड़ा दूर है दोस्तों, 100 किलोमीटर दूर है मेन आइलैंड से। बस फेरी करनी पड़ेगी, यहाँ आपका टाइम लग जाए, बस से भी जा सकते हैं, फेरी से भी जा सकते हैं। तो पूरी चूने के पत्थर की पूरी यहाँ पर गुफाएं हैं, ये काफ़ी पहले से ये चेंज होते रहते हैं इनका बर्ताव। तो ये भी अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी इसके शौकीन हैं बहुत ज़्यादा तो जाए, अन्यथा आपके पास टाइम कम हो तो इस जगह आप अवॉइड कर सकते। इसके अलावा लक्ष्मणपुर बीच है, ये भी जैसे और बीच है एकदम वाइट सैंड, बहुत अच्छा बीच है। यहाँ भी आप 3 से 4 घंटे बिताना चाहें बिता सकते हैं, और आप अपना यहाँ पे बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। एक नॉर्थ बे बीच है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होती है दोस्तों, जिसको बोलता है सी वॉकिंग। यानी आप के एक मास्क आपको लगा दिया जाता है और आप समुद्र के नीचे चल सकते हैं, कोरल रीफ जो मूंगे की चट्टानों में आप चल सकते हैं, और जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं इस तरीके से, और आप नीचे जो खुद देख सकते हैं जो समुद्री लाइफ है, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ, जेलीफिश, जो भी मछलियाँ आती हैं उनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, और चलते हुए आप ऊपर आ सकते हैं। ये बहुत अच्छा अनुभव होता है, ये जरूर जाएं करें आप अंडमान निकोबार में। तो दोस्तों जैसा आपने देखा यहाँ पे आपकी जो प्राइसिंग है बजट ये पूरा तैयार हो गया, यानी 20,000 रुपये का आपका बजट आ रहा है यहाँ पे। तो आप चाहें तो जो जगह नहीं जाएं कम कर सकते हैं, आप यहाँ पे चाहें तो फ्लाइट फूड वगैरह जो अगर आपको हटाना हो हटा सकते हैं। तो ये आपका एक तरीके का प्लानर है जो आपको बताता है कि आपका खर्चा कितना आएगा। तो इसमें कॉस्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, और कुछ 20% का वेरिएशन रहता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ये सीजन के हिसाब से बदलती हैं, पर जो इसमें डेटा है वो अपडेट करता किया जाता है बार बार, और जैसे ही कुछ वेरिएशन आता है तो वो सब किया जाता है। आपको अगर अंडमान जाना हो तो आप जाएं जरूर, वहाँ पे वाइट सैंड बीचेज को देखें, सेलुलर जेल को देखें, और अगर आपकी कोई कमेंट हो कि इस साइट में और कुछ चीज़ें सुधारनी हो और करनी हो, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन है इसमें डाल सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।